हेलो फ्रेंड्स, मेरी नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूं सर्कल गेमिंग का रॉ पावर का लेवल अप मॉडल। ये एक SMPS है और साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि SMPS को खरीदने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर भी करें। इससे हमारा मोटिवेशन बनता है और हमें ऐसी वीडियो बनाने की और प्रेरणा मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप जैसा देख सकते हैं कि जो इसका सामने आप जो लुक देख रहे हैं, यहाँ पे एक रोबोट टाइप का बना है और यहाँ पे CG लिखा है, यानी कि सर्कल गेमिंग, और ये रॉ पावर और इसका ये लेवल अप मॉडल है। यहाँ पे ये 850 वाट का है और यहाँ पे APFC मॉड्यूलर है, यानी कि ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर। तो ये एक अच्छी बात है, इसमें मुझे ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर मिल रहा है जो कि एक कंटिन्यूशन फैक्टर होगा अपने आप में, और मैं उसके बारे में आगे बात करूंगा कि क्या होता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये इसका सिंबल है सर्कल गेमिंग का। इसके बाद यहाँ पे बात कर ले SLI ERP क्रॉस फायर सपोर्टेड, यानी ये जो मदरबोर्ड ये बनाते हैं इन सब पे पूरा का पूरा ये सपोर्ट करेगा ये। इसके बाद यहाँ पे पीछे हम देख लेते हैं तो इसकी यहाँ पे 3 ईयर्स वारंटी यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे फ्रेंड एक चीज आप याद रखिएगा, जो आपको सेलर वारंटी देगा वो 1 साल की वारंटी देगा, 2 साल की वारंटी ये एक्सटेंडेड होगी तब जब आप इसको रजिस्टर कर लेंगे ऑनलाइन। इसके बाद हम यहाँ पे जाते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का लुक दिखेगा अंदर। अभी मैंने इसको अनपैक नहीं किया, जैसे ही अनपैक करूंगा तो आपको इस टाइप का लुक दिखेगा। और यहाँ पे इन्होंने दिखा दिया कि 850 वाट है। इसके कुछ फीचर्स यहाँ पे गिना दिए हैं, तो वो मैं जब अनपैक करूंगा तो मैं आपको सारे फीचर यहाँ पे गिना दूंगा क्या क्या है। इसके बाद यहाँ पे फिर आ जाइए कुछ टेक्नोलॉजी फीचर, जैसे इसमें हाई क्वालिटी के कैपेसिटर यहाँ पे फ्रेंड्स यूज करे गए हैं, और यहाँ पे हाई करंट, यहाँ पे DC जो फ्लो करती है वो हाई यहाँ पे फ्लो करती है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हर इक्विपमेंट के लिए वो हाई फ्लो कर रही। मैं आपको इसके आगे डिटेल दूंगा किस तरह से हाई यहाँ पे फ्लो कर रही है। इसके बाद यहाँ पे थर्मल कंट्रोल साइलेंट 14 सेंटीमीटर फैन यहाँ पे लगा, यानी कि अगर आप ज्यादा इक्विपमेंट यहाँ पे चला रहे हैं मदरबोर्ड के द्वारा तब भी यहाँ पे फैन जो होगा वो साइलेंट यहाँ पे काम करेगा, तेजी से काम नहीं करेगा। इसके बाद यहाँ पे हाई क्वालिटी फ्लैट केबल, जो इसके साथ जो केबल आपको मिल रही वो बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी की है। तो और यहाँ पे फिर सपोर्टेड लोग ने बता दिया, इंटर के सभी बोर्डों में ये सपोर्ट करेगा, AMD के सभी उसमें करेगा सपोर्ट, ATI रेडॉन, AMD रेडॉन और ATI रेडॉन दोनों एक ही कंपनी है फ्रेंड। बस फर्क ये है फ्रेंड कि AMD जो अब प्रोसेसर में चला गया और ATI रेडॉन आपका गेम GPU में चला गया, यानी ग्राफिक्स कार्ड में। इसके बाद ये NVIDIA को भी यहाँ पे सपोर्ट करता है जो कि ग्राफिक्स कार्ड अपने आप में बनाता है। बाकी यहाँ पे दिखा दिए 3 ईयर्स की इसकी वारंटी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम इसको अनपैक कर लेते हैं। तो मुझे इसके साथ वारंटी कार्ड फ्रेंड मिला ये वाला, जिसमें साफ साफ लिखा 3 ईयर्स वारंटी। तो मैं इसको साइड रखूंगा। इसके साथ मुझे यहाँ पे पावर केबल दी गई है, इसको मैं अभी साइड रखूंगा। इसके साथ मुझे और केबल दे रखी जो कि मॉड्यूलर है, इसको भी मैं साइड रखूंगा अभी। और यहाँ पे जो मेन प्रोडक्ट आया मेरा, ये आया SMPS, ठीक है। तो ये SMPS फ्रेंड है, ये देखिए SMPS है। तो फ्रेंड जैसा कि आपको दिख रहा है कि पूरा का पूरा एक प्रीमियम फील मुझे यहाँ पे हो रहा है और बहुत ही अच्छी फिनिश यहाँ पे दे रखी है। तो यहाँ पे ये देखिए जरा, इसका यहाँ पे लोगो भी लगा है सर्कल गेमिंग का और मॉडल भी यहाँ पे लिख दिया कौन सा, ये 850 वाट है। इसके पीछे अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इन्होंने इनपुट और आउटपुट यहाँ पे बता रखा है। तो जैसा कि हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं,
और यहाँ पे 3 इयर्स वारंटी यहीं पे इन्होंने प्रिंट कर दी, तो ये अच्छी बात है। इसके साथ यहाँ पे टेक्नोलॉजी सपोर्टेड ये भी यहीं पे लिख दिया है। इसके आगे हम देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ही कूल फैन मुझे दिख रहा है, और इसके नीचे यहाँ पे लिखा है सर्कल गेमिंग वारंटी वॉइड। अगर मैंने सील निकाली तो जो इसकी वारंटी होगी वो नहीं रहेगी, तो हमें फ्रेंड ऐसा नहीं करना है, ठीक है। हमें इस सील को नहीं निकालना है, तब तक के लिए तो नहीं निकाले जब तक इसकी वारंटी है फ्रेंड। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कुछ नीचे होल्स आपको दिख रहे होंगे, ये वाले कुछ स्लॉट जहाँ पे दे रखे, ये मॉड्यूलर है। दरअसल होता क्या फ्रेंड्स, 3 तरह के SMPS आते हैं, एक होता है नॉन मॉड्यूलर, एक होता है मॉड्यूलर, और एक होता है सेमी मॉड्यूलर। तो यहाँ पे भी फ्रेंड्स ऐसे ही कुछ है। तो फ्रेंड जो मॉड्यूलर होता है उसमें क्या होता है कि यहाँ से भी आप केबल डिटैच कर सकते हो, और यहाँ से भी पूरी तरह से केबल डिटैच कर सकते हैं। और जो सेमी मॉड्यूलर जो इसका आता है मॉडल, उसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ केबल आप डिटैच कर सकते हैं और कुछ केबल इसमें फिक्स रहेंगे। जैसे जी आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे कुछ केबल यहाँ पे डिटैच हैं, और यहाँ पे एक केबल जो आ रही है ये अटैच है इससे। तो और जो आपका नॉन मॉड्यूलर होता है उसमें क्या होता है कि आप कोई भी केबल यहाँ से डिटैच नहीं कर सकते। तो आपने जनरली देखा होगा जो 400-500 रुपए के जो आते हैं SMPS, वो नॉन मॉड्यूलर होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं जो यहाँ पे स्लॉट दे रखा है वो क्या है। यहाँ पे दे रखा है PCI के लिए, यहाँ पे दे रखा है यानी PCI यानी ग्राफिक्स कार्ड के लिए स्लॉट दे रखे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 2 दे रखे इस तरीके के, तो आप समझ सकते हैं अगर आपके मदरबोर्ड में 2 स्लॉट दे रखे ग्राफिक्स कार्ड के या 3 स्लॉट दे रखे हैं, तो आप यहाँ पे 2 एक साथ दो दो ग्राफिक्स कार्ड एक साथ आप अटैच यहाँ पे कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे साटा पिन दे रखी है यहाँ पे फ्रेंड्स, ठीक है, साटा वाली यहाँ पे दे रखी, और यहाँ यहीं पे दे रखा है 4 पिन भी। तो यहाँ पे मैं अभी आपको दिखा दूंगा कैसे वायर में दिखता है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे अगर और बात कर ले तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है इन्होंने AC 220 वोल्ट, यानी यहाँ पे जो वोल्टेज सप्लाई होगी वो 220 वोल्ट की होगी AC, और यहाँ से जो हमें आउटपुट मिलेगा वो DC के फॉर्म में मिलेगा फ्रेंड। और यहाँ पे ऑन एंड ऑफ का स्विच भी दे दिया है। तो फ्रेंड यहाँ पे अगर हम बात कर ले SMPS फैन की, तो बहुत जने लोग का क्वेश्चन होता है ये जो फैन है ये पीछे होना चाहिए, फ्रंट में नहीं होना चाहिए। तो मैं उनको बता दूं जितने भी आप हायर मॉडल में जाएंगे आपको फैन ये बीचों बीच में ही मिलेगा, पीछे नहीं मिलेगा। इसका कारण ये है कि जो लोअर क्वालिटी के जो SMPS आते हैं वो हॉट एयर रिलीज करते हैं, जबकि ये जो फैन है ये कोल्ड एयर यहाँ पे रिलीज करेगा, जिससे आपका जो CPU कैबिनेट है वो ठंडा रहेगा। तो ये एक सबसे अच्छी बात है फ्रेंड कि हमें एक अलग से एयर कूलर लगाने की जरूरत नहीं है अपने मदरबोर्ड में। फ्रेंड यहाँ पे अगर हम बात कर ले जो हमारी नॉन डिटेचेबल केबल है उसमें हमें क्या क्या मिलेगा, तो यहाँ पे एक आपको मदरबोर्ड के लिए केबल मिल जाएगी, और मिल जाएगी यहाँ पे CPU फैन के लिए। तो लेकिन बहुत जनों का क्वेश्चन है यार जो मेरे CPU फैन में है उसमें तो 4 पिन वाली केबल लगती है, तो आपको कोई परेशानी वाली बात नहीं, यहाँ से ये डिटैच हो जाएंगी, ये दोनों अलग हो जाएंगी। और बहुत जनों का जो CPU फैन होता है वो 8 पिन में भी चलता है, तो यहाँ से ये जुड़ जाएंगे। अगर आप चाहे तो ऐसे आप जोड़ भी सकते हैं, ये देखिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे परेशानी वाली यहाँ पे कोई बात नहीं है, आप इसको चाहे तो CPU फैन के तरह यूज कर ले, या चाहे तो आप इसको ग्राफिक्स कार्ड में भी लगा सकते हैं एक्सटर्नल पावर की तरह। फ्रेंड्स इसके बाद अगर हम बात कर ले और इसके साथ कौन कौन से केबल आते तो वो भी मैं आपको अनबॉक्स करके दिखा देता हूँ। तो मैं इसकी जा रहा पैकिंग खोलने, तो ये आप देख सकते पूरा का पूरा सील पैक है, तो इसको मैं अलग कर लेता हूँ। तो मुझे इसके साथ इतनी केबल मिल रही हैं, यही कारण है फ्रेंड्स कि जो कंपनी के द्वारा जो SMPS होता है वो इतना महंगा पड़ जाता है, क्योंकि इतनी ढेर सारी वो केबल दे देती हैं। और अगर आप मॉड्यूलर वाला ले रहे हैं SMPS जैसे मैंने लिया, तो ये और थोड़ा आपको महंगा पड़ जाएगा। ज़्यादा महंगा फ्रेंड्स पड़ता नहीं है, मुश्किल से 500 या 600 रुपये के रूप में फर्क पड़ता है। पर फ्रेंड्स ये भी समझिए कि इससे आपका एक तरह का जाल जो बिछ जाता है CPU के अंदर वो यहाँ पे नहीं बिछेगा। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ इसके साथ क्या क्या आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मुझे एक ग्राफिक्स कार्ड के लिए केबल दे दी है 6 वाली, क्योंकि बहुत जनों में 6 केबल लगती हैं, 6 पिन वाली लगती है केबल, तो ये वो दे दिए। इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे दे दिया 4 पिन मोलेक्स, और इसके साथ साथ मुझे दे दिया साटा। तो मुझे 2 साटा पहली केबल में मिली, 2 साटा, 1 मोलेक्स और 6 पिन, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसको मैं अलग रख देता हूँ। इसके बाद मैं दूसरी केबल ले रहा हूँ, तो इसमें देखें मुझे क्या क्या मिल रही है।
इसमें भी फ्रेंड्स मुझे 6 पिन वाला मिल रहा है, तो कोई वो डाउट नहीं 4 पिन मोलेक्स है। और इसमें मुझे 3 साटा मिल रही है फ्रेंड्स, उसमें 2 थी और इसमें मुझे 3 साटा मिल रही है। तो यहाँ पे देखिए केबल का यहाँ पे काफी यहाँ पे फर्क पड़ जाता है कि इतनी ढेर सारी हमें केबल मिली, जबकि हमें जो 450-800 होती है उसमें नहीं मिलती। अब मैंने ये वाली केबल ली, तीसरी है, तो इसमें मुझे क्या क्या मिल रहा फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे 6 पिन वाली मिल रही है केबल, और 1 साटा इसमें, एक नहीं 2 साटा है, एक मोलेक्स है और एक मुझे सीपी फैन के लिए मिल रही है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये अब मैं इसको चौथा दिखा दे रहा हूँ आपके, किसके साथ और क्या मिल रहा है। तो ये मेरे पास आई है चौथी केबल हो गई है। ये देखिए ये मुझे चौथी केबल मिली है, तो इसके साथ क्या मुझे मिला है, 4 पिन 8 पिन का ग्राफिक्स कार्ड के लिए केबल मिली है, 6 पिन के लिए मिली ग्राफिक्स कार्ड के लिए, और ये भी मेरा सीपीयू फैन में ही यूज होता है 2 पिन वाला, और ये भी मेरा 2 पिन। तो इसको आप आपस में जोड़कर फ्रेंड्स 4 पिन बना सकते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये 4 पिन के लिए काम कर जाएगा। इसके साथ फिर मुझे एक और 6 पिन की मिली, तो मुझे ओवरऑल 4 केबल इन्होंने दी है, चारों के चारों प्रीमियम है और अच्छी क्वालिटी की है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि हम जब SMPS लेने जाए तो हम उसमें क्या क्या देखें। तो फ्रेंड्स पहले मैं बता दूं कि आपको इसमें देखना है कंटिन्यूशन फैक्टर, बहुत से फैक्टर होते हैं, कॉस्ट फैक्टर होता है, आपका पीक फैक्टर होता है, बाकी सबको आप इग्नोर कर दीजिए, सिर्फ उसी पहले फैक्टर में ध्यान दीजिए, वो था कंटिन्यूस फैक्टर। अब कंटिन्यूस फैक्टर क्या होता है फ्रेंड्स, ये हमें समझना पड़ेगा। दरअसल होता क्या है फ्रेंड्स की जो भी SMPS हमें हमारी मदरबोर्ड को सप्लाई देता है, तो वो एक रिकमेंडेड सप्लाई मांगती है, उससे अगर बहुत ज्यादा होगा तब भी आपकी मदरबोर्ड फूक जाएगी, और उससे अगर कम होगा तो आपकी मदरबोर्ड ऑन ही नहीं होगी। तो वहां पे अप्लाई होता है कंटिन्यूस फैक्टर, और ये जो कंटिन्यूस फैक्टर होता है ये हमारा जो अच्छे ब्रांड वाले SMPS होते हैं वो ही प्रोवाइड करा पाते हैं, और जो हमारे लोअर वाले होते हैं जो 450 रुपए के होते हैं वो हमें प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे जैसा आप देख रहे हैं, यहाँ पे मेरे पास अभी 2 SMPS हैं, एक है 450 वाट, एक है 850। ये मेरा कंपनी का है और ये मेरा विदाउट कंपनी का है। तो फ्रेंड यहाँ पे होता क्या है कि हमारी मदरबोर्ड SMPS से जुड़ी रहती, वही नहीं जुड़ी रहती, हमारी जो हार्ड डिस्क होती है या ग्राफिक्स कार्ड होती वो भी हमारे SMPS से जुड़ी रहती। तो मैं यहाँ पे अभी सिर्फ सिर्फ मदरबोर्ड का एग्जांपल लूंगा। तो सपोज हमारी मदरबोर्ड को फ्रेंड 120 वाट की पावर की सप्लाई थी, लेकिन ये काम कंटिन्यूस फैक्टर में तो करता नहीं, ये करता है पीक फैक्टर में जनरली। तो क्या करेगा, ये 120 से 120 तो नहीं देगा सप्लाई, ये दे देगा उसे 150 या 200। तो यहाँ पे जैसे ही उसने 150 या 200 दिया तो क्या होगा, मदरबोर्ड सहलेगी 120 सहलेगी, 140 सहलेगी, इवन वो 150 भी सहलेगी, लेकिन 150 जैसे ही क्रॉस कर जाएगा तो आपकी मदरबोर्ड वहां पे शट डाउन हो जाएगी। तो यही कारण है फ्रेंड्स कि जैसे वो शट डाउन हो जाएगी तो यानी उसमें कोई ना कोई एक पार्ट डैमेज हो गया है। तो यहाँ पे अब सेम यही इसी का एग्जांपल ले कि अगर ये वाला SMPS यहाँ पे लगा तो तब क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होता है कि इसके अंदर सेंसर लगे रहते हैं, तो ये समझ लेते हैं कि यार ये जो मदरबोर्ड है इसको मुझे कितनी पावर सप्लाई देनी देनी है। अब यहाँ पे कंटिन्यूशन फैक्टर पे ये काम करता है, मगर इसका ये भी मतलब नहीं कि ये अच्छा एक ही जैसी सप्लाई वो देगा, जी नहीं, जैसे आप मदरबोर्ड में अपना लोड बढ़ाएंगे, जैसे रैम आपके लगी 8 GB जैसे वहां पे 16 GB कर दिया या आपने प्रोसेसर चेंज कर दी, उसके हिसाब से यहाँ पे जो पावर होगी वो भी यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो ये एक अच्छी बात है कि यहाँ पे सेंस ये कर रहा है, मदरबोर्ड नहीं कर रही है, ये मदरबोर्ड को सेंस कर रहा है और मदरबोर्ड अपने हिसाब से दूसरे इक्विपमेंट को पावर सप्लाई कर रही है। तो ये यहाँ पे आपको फ्रेंड देखना होता है, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है। तो फ्रेंड यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि यार मेरे पास जो SMPS है उसने कभी भी मेरा मदरबोर्ड नहीं खराब किया, मेरी हार्ड डिस्क नहीं खराब करी, मेरा कुछ भी यहाँ पे खराब आप नहीं किया। तो मैं यहाँ पे आपको फ्रेंड बता दूं, जो मदरबोर्ड जो नई टेक्नोलॉजी की आ रही है, यानी जो 2013 से 2014 के बीच में टेक्नोलॉजी में आ रही, उसमें ऑटोमेटिक सेंसर लगे रहते हैं, यानी कि वो उतने ही पावर लेंगे अपने अंदर जितना उनको जरूरत है। लेकिन क्या करता है SMPS, ये उनको ज्यादा पावर प्रोवाइड कराता है, तो लेकिन उनके अंदर एक सेंसर लगे रहते कि वो उतनी ही पावर लेंगे जितना वो प्रोवाइड करता है। लेकिन कभी कभार फ्रेंड क्या होता है कि घर में हाई वोल्टेज आ जाती है और उसके चक्कर में जो इसमें से जो आउटपुट जाता है PC में या मदरबोर्ड में जाता है वो भी काफी हाई जाता है, उस समय मदरबोर्ड अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर पाती और उस समय वो ब्लास्ट हो जाती या फिर वो चीज खराब हो जाती है,
और डैमेज हो जाती है, और इसमें आपकी मदरबोर्ड ही डैमेज नहीं होती, जो भी इस SMPS के साथ चीज़ें जुड़ी होती हैं वो भी कहीं ना कहीं डैमेज हो जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपके हार्ड डिस्क या फिर ग्राफिक्स कार्ड। जबकि फ्रेंड्स हम बात करें इसकी, तो इसमें जस्ट उल्टा होता है। तो इसमें होता क्या है फ्रेंड्स कि जैसे ही आपके घर में हाई वोल्टेज अगर आ रही है तो उस केस में क्या होगा कि ये सेंस कर लेगा कि यार हाई वोल्टेज आ रही है, और ये अपने आप को टोटली शट डाउन कर लेगा, और इस वजह से कोई भी आउटपुट रिलीज नहीं होगा आपकी मदरबोर्ड पे, यानी हार्ड डिस्क, और इसमें इंक्लूड है आपका ग्राफिक्स कार्ड भी। तो इस तरह से ये आपके जो इक्विपमेंट है उसको सेफ रखता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो DC करंट होता है काफी सेंसिटिव करंट होता है, और वो अगर ज्यादा हो गई करंट, जरा से भी ज्यादा हो गई, तो जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं वो तुरंत खराब हो जाते हैं और काम नहीं करते हैं। तो इस ढंग से इसको बनाया गया है कि यार ये सेंस कर ले कि इसमें कितनी सप्लाई आ रही है और उसके हिसाब से ये काम हम करें। तो अगर देखा जाए इन दोनों में यही सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस था कि ये आपके इक्विपमेंट्स को सेफ रखता है, जबकि ये आपके इक्विपमेंट्स को कोई भी सेफ्टी प्रोवाइड नहीं करता है। दूसरा फ्रेंड क्वेश्चन ये उठता है कि यार मेरे SMPS में भी मुझे केबल सारी मिल जाती है, तो फिर मैं एक ब्रांडेड कंपनी का SMPS क्यों लूं? तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि आपको जो लोकल वाला जो SMPS होता है उसमें आपको सारी केबल नहीं मिलती हैं। तो अगर आप यहाँ पे मान के चलिए, अगर पर केबल का अगर हम अंदाजा लगाएं तो आपको 350 से 450 रुपए में पर एक केबल मिलती है, और कनेक्टर अगर आप ले रहे अलग से तो 175 का ईच बनता है। और अगर आप इन सब की टोटल वैल्यू फ्रेंड निकाले तो ये आपको कम से कम 1500 अपर ही जाएगी। तो अगर आप 1500 के ऊपर, पहले तो ये 450 या 500 रुपए का आपने लिया, और फिर आप 1500 रुपया और खर्चा करें तो यानी 2000, तो इससे अच्छा कि अगर आप 2000 रुपया खर्चा कर ही रहे हैं तो क्यों ना आप 3000 या 3500 रुपए का एक ब्रांडेड SMPS ले रहे, क्योंकि उसमें आपको जो केबल मिलती है वो ब्रांडेड होती है, और वो उसमें जल्दी आग नहीं लगती, वो जल्दी खराब नहीं होती हैं, जल्दी उसमें शॉर्ट सर्किट नहीं होता। जबकि इसमें फ्रेंड्स आज दिन मैंने देखा कि कुछ ना कुछ इसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है। इसकी जो केबल है ये कभी भी आपके बाहर निकल सकती है, ये इतनी पक्की नहीं होती जितनी आप सोच रहे हैं। और यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि इसमें आपको अगर आप गौर करें तो इसमें आपको केबल जो दिखेगी बस मोलेक्स और आपकी जो दूसरी केबल है साटा, यही दो केबल इनमें पूरी भरी रहती है। तो हम इसको ये नहीं कह सकते कि यार आपको सारी तरह की केबल मिल सकती है इसमें। जैसे GPU केबल आपको नहीं मिलती, जो कि अपने आप में आती 450 से 500 रुपए के बीच में, और इसमें आपको 6 पिन केबल नहीं मिलती, 8 पिन केबल नहीं मिलती है, और इसमें आपको एडिशनल 4 पिन केबल फैन के लिए नहीं मिलती। तो आप समझ सकते कि इसमें आपको काफ़ी केबल की भी कमी है। इसके बाद अगर फ्रेंड्स हम बात कर ले तो बहुत जन पूछते हैं यार मुझे एफिशिएंसी भी इसकी बता दो, किसकी कितनी एफिशिएंसी होगी, और हमें ब्रांडेड में कितनी मिलेगी और हमें लोकल वाले में कितनी मिलेगी। तो फ्रेंड्स इसके लिए हमें ग्राफ को देखना पड़ेगा, तो मैं आपको ग्राफ के तौर पे बताता हूँ कि कितनी आपको एफिशिएंसी मिलेगी कितने लोड पर। तो पहले हम इसकी बात करेंगे फ्रेंड्स अपने ब्रांडेड वाले की। तो इसमें आपको ये जैसा दिख रहा है कि कंपनी ने हमें ग्राफ के तौर पर भी यहाँ पर सिखा रखा है या बता रखा है कि यहाँ पे कैसे आपको एफिशिएंसी देखनी। तो ये हमारा नीचे वाला जो लोड है और ये हमारा एफिशिएंसी है, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 50 टू 60 के बीच में जो हमें एफिशिएंसी देखने को मिल रही है वो 89% है, जबकि अगर हम लोड 100 और 110 के बीच में जब हमारा बढ़ा तब भी हमें यहाँ पे फ्रेंड्स 86% तक की यहाँ पे एफिशिएंसी हमें देखने को मिल रही है। तो एक अच्छी बात है फ्रेंड्स कि यहाँ पे कंपनी ने हमें ये बता रखा है कि आप लोड या जितना बढ़ा लीजिए आपको एफिशिएंसी अबव 85 ही मिलेगी कहीं ना कहीं। तो ये एक अच्छी बात है फ्रेंड्स। और सही बात बताए तो 100% लोड किसी की भी CPU का होता नहीं है। तो यहाँ पे आपको ये एफिशिएंसी के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो फिर फ्रेंड्स हम अब इसकी बात कर ले कि इसमें हमें कितनी एफिशिएंसी मिलती है। तो फ्रेंड्स अगर आप गूगल सर्च करें तो आपको जो चाइनीज मॉडल में जितने भी आपको दिखेंगे SMPS के उसकी हमारी 40-50% तक की एफिशिएंसी दिखती है। चाहे आप जितना इसमें लोड लगा लीजिए, चाहे जितना आप घटा लीजिए, घटा लेंगे तो एफिशिएंसी थोड़ी इसमें आपको ज़्यादा दिख जाएगी, लेकिन जैसे जैसे बढ़ाएंगे आपको 40-50% तक की इसमें एफिशिएंसी दिखती है, यानी कोई भी इसमें आपकी बिजली की बचत नहीं हो रही है और ज़्यादा ही मतलब लग रहा है। तो फ्रेंड्स इसमें जो अगला क्वेश्चन ये उठता है कि यार मैं अपने PC के लिए SMPS तो लेना चाहता लेकिन मैं कितने वाट का लूँ। तो फ्रेंड यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप SMPS अपने PC के लिए लेना चाहते हैं
तो पहले आपको ये निश्चित करना पड़ेगा कि आप SMPS क्यों ले रहे हैं, गेमिंग पर्पस के लिए ले रहे हैं, ऑफिस पर्पस के लिए ले रहे हैं या माइनिंग पर्पस के लिए ले रहे हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आप अपग्रेडेड में रहेंगे या नॉन अपग्रेडेड में रहेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स समझते हैं कि यहाँ पे हमें किस तरह से SMPS लेना है। तो सपोज फ्रेंड आप यहाँ पे SMPS ले रहे हैं गेमिंग पर्पस के लिए, तो यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा जो इक्विपमेंट्स मदरबोर्ड में लग रहे हैं उसमें कौन सा इक्विपमेंट सबसे ज्यादा पावर ले रहा है। तो यहाँ पे इस केस में सबसे ज्यादा जो पावर लेता है वो लेता है हमारा ग्राफिक्स कार्ड। सपोज वो 500 वाट अगर ले रहा है तो यहाँ पे आपको SMPS लेना पड़ेगा 600 से 650 वाट। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसके बाद अगर हम बात कर ले कि आप माइनिंग पर्पस के लिए ले रहे हैं SMPS तो कितना में लेना पड़ेगा, तो फ्रेंड्स माइनिंग में क्या जनरली होता है कि रिग बनती है और उसमें माइनिंग में आपको कम से कम 2 से 3 ग्राफिक्स कार्ड की जरूरत पड़ती है और ये बढ़ भी सकते हैं, यानी ये अपग्रेडेड फॉर्म में है तो आपको कम से कम 1250 वाट का SMPS लेना पड़ेगा। तो इस जिसके वजह से आपकी जो माइनिंग अच्छी हो पाएगी, बेहतर हो पाएगी और उसे रिक्वायर्ड पावर मिल पाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि अगर आप जो SMPS ले रहे हैं ऑफिस पर्पस के लिए ले रहे हैं, यानी कि आप वहां पे सिर्फ ऑफिस का काम करते हैं, ज्यादा उसमें आपको हैवी लोड नहीं चलाना है, तो वहां पे जो आपका जो SMPS होगा वो 450 वाट से 500 वाट होगा। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स की अपग्रेडेड और नॉन अपग्रेडेड से क्या मतलब, तो फ्रेंड यहाँ पे बात कर ले अपग्रेडेड की। तो फ्रेंड्स अगर आपने ये सोच रखा है कि अब फ्यूचर में जो मेरे जो पीसी इक्विपमेंट्स मैं उसको अपग्रेड करूंगा, यानी अभी आपके पास अगर ग्राफिक्स कार्ड लगा है 500 वाट वाला और आप ये सोच रहे हैं मैं भविष्य में 700 वाट वाला लूंगा, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप फिर हायर वाट वाला SMPS ले पहले से, ताकि आपको बार बार इसको अपग्रेड ना करना पड़े। तो बात कर ले अब नॉन अपग्रेडेड में, अगर फ्रेंड्स आपको ये लगता है जो भी मेरे पीसी इक्विपमेंट्स लगे मदरबोर्ड से अटैच हैं या मदरबोर्ड है उसको मुझे अपग्रेड नहीं करना है फ्यूचर में भी, तो फिर आप कम से कम वाट वाला ले लीजिए, कम से कम 450 से 500 वाट वाला आप लीजिए। लेकिन आप इसमें ये ध्यान रखिएगा कि आप अगर चाहते हैं कि आप अपग्रेड करें तो वो चीज आप अपग्रेड तो कर लेंगे, लेकिन आपको फिर SMPS भी यहाँ पे अपग्रेड करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप पहली ज्यादा वाट वाला ले ले, जिससे आपको भविष्य में SMPS को अपग्रेड ना करना पड़े। तो फ्रेंड यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये पूछा जाता है, यार जब हम SMPS को अपग्रेड कर रहे हैं तो क्या हमें UPS को भी अपग्रेड करना पड़ेगा? जी हाँ फ्रेंड्स, आपको UPS को भी देखना पड़ेगा कि क्या वो रिक्वायर्ड पावर दे पा रहा हमारे SMPS को, या SMPS हमारा जो है रिक्वायर्ड पावर ले पा रहा है UPS से। अगर ऐसा नहीं हो पाएगा तो इस केस में क्या होता है कि जो UPS के जो स्लॉट होते हैं, इलेक्ट्रिकल स्लॉट होते हैं, वो आपके जल सकते हैं, खराब हो सकते हैं और कभी कभी तो UPS पूरी तरह से बैठ ही जाता है। तो इस चीज़ का आप लोग विशेष ध्यान दें फ्रेंड्स इसमें। और अगर ये वीडियो आपको फ्रेंड जरा भी अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी और जरा भी फायदेमंद लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं अपने चैनल में ऐसी इंटरेस्टिंग और अनबॉक्सिंग और हैकिंग वीडियो लाता रहता हूँ। टिल देन बाय, गुड बाय, और अपना ख्याल रखिएगा, सब्बा खैर।